Good morning students, how are you? Okay, now today this is SST, we start chapter number 5. Okay, हमारा fourth chapter complete हो गया है. Hopefully आप सब ने अपनी कॉपियों में work कर लिया होगा. मैंने आपको PDF भेजी थी fourth chapter की, question answer, word meaning सब कुछ उसमें दिया था. आपको अपनी copies में अपना नाम लिख के, class लिख के और subject लिख कर school में भेजनी है. Okay? अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंडिया फिजिकल फीचर्स. ओके, अब हम देखेंगे कि आपको फिजिकल फीचर्स से क्या समझ में आता है. आपको यहाँ कुछ पिक्चर्स दिख रही है, लुक एट द पिक्चर्स, रीड द कैप्शन, व्हाट डू दीज टेल अस अबाउट इंडिया, ऑल्सो डिकोड द मैसेज. फर्स्ट, माउंटेन्स, हिल्स एंड वैलीज, फर्टाइल प्लेन्स, डेजर्ट, बीचेस, वाटरफॉल्स, रिवर्स एंड आइलैंड्स. ये सारी चीज़ें जो हैं इनको कहा जाता है फिजिकल फीचर्स. ओके, इंडिया इज़ अ बिग एंड ब्यूटिफुल कंट्री. आप सबको पता है इंडिया एक बहुत ही बड़ा शहर है और बहुत ही सुंदर शहर. एज़ वी ट्रैवल थ्रू इट्स डिफरेंट पार्ट्स वी फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स. ओके, जिस जिस जगह पर, हर जगह अपना एक अलग सा लैंडफॉर्म है. ओके, कहीं पर रेत ज़्यादा है, कहीं मिट्टी ज़्यादा है, कहीं सूखी ज़मीन ज़्यादा है, कहीं गीली ज़मीन ज़्यादा है, तो सब जगह एक जैसा नहीं है. हर जगह अलग अलग तरह का लैंड बना हुआ है, ज़मीन बनी हुई है. ओके, देर आर माउंटेन रेंजेस. माउंटेन रेंजेस मतलब पहाड़, कई कई जगह पे पहाड़ बने हुए हैं. विथ हाई पीक्स, फॉरेस्ट कवर्ड हिल्स एंड ग्रीन वैलीज. ओके, कोई कोई जगह ऐसी है जो बिल्कुल फॉरेस्ट है, मतलब पेड़ ही पेड़ है, वहाँ पर कोई भी घर वर बने हुए नहीं है, जंगल है. कई जगह ऐसी है जहाँ पर हिल्स और ग्रीन वैलीज सबसे ज़्यादा है, मतलब पहाड़ बहुत ज़्यादा है और हरियाली बहुत ज़्यादा है. ग्रीन वैलीज का मतलब होता है हरियाली, पेड़ पौधे से भरा हुआ जगह. ओके, देर आर फर्टाइल ग्रीन प्लेन्स विथ रिवर्स फ्लोइंग थ्रू देम. कई ऐसी भी जगह है जहाँ पर फर्टाइल लैंड है, मतलब बहुत ज़्यादा खेती हुई हुई, बहुत अच्छी सुंदर सुंदर लैंड्स हैं ग्रीन, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए हैं. विथ रिवर्स फ्लोइंग थ्रू देम, और उनके बीच में रिवर निकल रहा है, गिर रहा है नीचे. दीज आर, देर इज़ डेजर्ट एंड देर आर ब्यूटिफुल बीचेस. कई जगह ऐसी है जहाँ पर डेजर्ट है, डेजर्ट मतलब रेत. ओके, जहाँ पर रेत ही रेत सबसे ज़्यादा है. एंड देर आर ब्यूटिफुल बीचेस, और बहुत सुंदर सुंदर बीचेस भी हैं. देर आर आइलैंड्स टू. ठीक है, आइलैंड मतलब बीच में छोटा सा पहाड़ बना हुआ और आसपास में पूरा पानी है. The various landforms of a country are known as its physical features. Okay? तो इस तरह की जगह को या ज़मीन को कहा जाता है physical features. A map that shows broad physical feature is called physiological map. अब physiological map किसे कहा जाता है, जो हमें इंडिया के फीचर्स के बारे में बताता है, फिजिकल फीचर्स के बारे में बताता है. आप सबको समझ में आया फिजिकल फीचर्स क्या है? मैंने अपने पूरे वीडियो में आपको बताया है कि फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं. नाउ वी कम टू माउंटेन्स. माउंटेन्स किसे कहा जाता है? पहाड़ों को. जो पहाड़ी इलाका होता है उसे कहा जाता है माउंटेन्स. द हिमालयन माउंटेन रेंजेस लाई इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ओके, हिमालय में जो नॉर्थ में पड़ता है उसे कहा जाता है हिमालयन रेंजेस. ओके, हिमालयन माउंटेन रेंजेस, नॉर्थ की तरफ को हिमालय माउंटेन रेंजेस कहा जाता है. वहाँ पर चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है. ऑल्सो नोन एज द नॉर्दर्न माउंटेन्स, उन्हें हिमालयन माउंटेन्स भी बोला जाता है और नॉर्दर्न माउंटेन्स भी बोला जाता है. द रेंज हैज सम ऑफ द हाइएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड. ओके, वहाँ के जो माउंटेन्स हैं वो वर्ल्ड में सबसे बड़े बड़े माउंटेन्स जो हैं वो हिमालयन रेंजेस में पड़ते हैं, नॉर्थ की साइड.
मैनी पीक्स आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, वहाँ के जो माउंटेन्स हैं वो 12 महीना वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई होती है. मतलब आप कभी भी वहाँ पर जाओगे तो आपको बर्फ़ मिलेगी. वो इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है कि वहाँ पर हमेशा स्नोफॉल होती है और वहाँ हमेशा बर्फ़ जमी हुई होती है पहाड़ों पर. ग्लेशियर्स आर फाउंड हियर. ग्लेशियर्स मतलब पहाड़ों, बर्फ़ के पहाड़. ठीक है, वो हमेशा वहाँ पर मिलते हैं. दीज ग्लेशियर्स आर द सोर्स ऑफ सम ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्रा, यमुना एंड सतलुज. ओके, ग्लेशियर्स जो है उनसे ये रिवर्स बने हुए हैं. कौन से रिवर्स बने हुए हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्रा, यमुना एंड सतलुज. द पूर्वांचल रेंज इज एन एक्सटेंशन ऑफ ग्रेट हिमालयन रेंज टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया. ओके, पूर्वांचल रेंज एक पहाड़ है जो हिमालय से ही बढ़ता हुआ वहाँ पर जाकर जुड़ रहा है और वो नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक जुड़ा हुआ है. वो पहाड़ इतने जॉइंट है, एक दूसरे से पैरेलल है, मतलब एक के सामने एक के सामने एक, इस तरह से कनेक्टिविटी है उनमें. जुड़ते हुए वो नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक जुड़े हुए हैं. ओके, द अरावली रेंज रन्स अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात. ओके, अरावली रेंजेस के जो माउंटेन्स हैं वो राजस्थान और गुजरात तक जुड़े हुए हैं. लोअर हील्स आर फाउंड इन द सेंट्रल एंड द साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया. लोअर हील्स मतलब जो छोटे छोटे पहाड़ हैं वो हमें साउथ की तरफ दिखने में आते हैं. ओके, नॉर्थ में तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन साउथ में जैसे जैसे हम नॉर्थ से साउथ में जाते हैं तो पहाड़ की छोटे छोटे होते जाते हैं. इन सेंट्रल इंडिया वी फाइंड द विंध्या एंड द सतपुरा रेंजेस. ओके, जब हम सेंट्रल साइड में जाएंगे तो हमें विंध्या और सतपुरा रेंजेस भी दिखेंगे. द नीलगिरी हिल्स लाई इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. ओके, नीलगिरी हिल्स जो हैं, जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वो हमें मिलता है साउथ में. ओके, आज का हम वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं. आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. ओके, थैंक यू फॉर टुडे.